हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं बताने वाली हूं आपको कि घर में हम अनाज को कैसे साफ करें। आज इस वीडियो में मैं आपको गेहूं को साफ करके दिखाने वाली हूं, वो भी बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, जब भी हमें घर में रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए होता है, तो उससे पहले हमें गेहूं को बहुत ही अच्छे से साफ करना होता है, जिससे कि हमारे आटे में मिट्टी कंकड़ ना आए, नहीं तो जो रोटी खाने का स्वाद है ना, वो भी चला जाएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे एक कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको गेहूं जिसे हमें साफ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब गेहूं खेतों से कटकर आती है तो कैसे दिखती है। गांव में हमारी खेत है जहाँ हम गेहूं की फसल लगाते हैं, और ये अभी अभी खेतों से कटकर आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, जब ये अनाज खेतों से कट कर आती है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी और कंकड़ होते हैं, कचरे होते हैं, जिसे हमें घर में साफ करना होता है यूज करने के लिए, या फिर जब ये गेहूं अधिक मात्रा में होती है तो हम इसे दुकान में या फिर किसी और को भी इसे बेच देते हैं, लेकिन उन्हें भी हम इतना गंदा अनाज नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत तो इसे साफ करना ही होता है। दोस्तों, लेकिन आजकल अधिक मात्रा में लोग दुकान से रेडीमेड आटा लेकर आते हैं और उसी को ही खाते हैं। सोचते हैं कि किसके पास इतना टाइम है, कौन इसे साफ करेगा। दोस्तों, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो आटा आप खा रहे हैं वो मिलावटी है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, तो हेल्थ के साथ ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, तो चलिए अब टाइम ना लेते हुए मैं दिखाती हूँ कि इसे साफ कैसे करेंगे। तो देखिए, गेहूं साफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चलनी, जिससे हम अनाज को चालते हैं। अनाज साफ करने में हमें इस चलनी की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, इस चलनी में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कंकड़ मिट्टी बाहर निकल जाते हैं। इसकी साइज भी बढ़िया है, ये ना आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज है गेहूं साफ करने के लिए, वो है सूपा, जो कि हर घर में होती ही है, जिससे हम सभी अपने अपने घरों में अनाज की सफाई के लिए रखते ही हैं। दोस्तों, ये देखिए, अब हम इस चलने की मदद से गेहूं को कैसे साफ करेंगे। अब रोटी खानी है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही होगी। दोस्तों, देखिए, इस चलनी को ना हम एक ही दिशा में गोल गोल घुमाते रहेंगे, और नीचे से जो छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी है वो नीचे गिर रहे हैं। ये देखिए, 2 मिनट भी नहीं लगे कंकड़ मिट्टी को निकलने में, सारे के सारे कैसे आसानी से नीचे की तरफ निकलते जा रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके से अपने घरों में गेहूं को साफ करते हैं, तो आपको दूसरे को इसे साफ कराने के लिए अपने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, ये बहुत ही आसानी से घर में साफ हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इस चलने को आप इस तरीके से चलाते रहिए और जितनी भी छोटे छोटे जो गंदगी है वो सब बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें से मिट्टी तो सारी निकल गई, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे कचड़े जो हैं वो बाकी हैं गेहूं से साफ करने के लिए। अब ये जो गेहूं के पत्ते हैं, डंडी है, कचड़े है, जो भी इसमें बचे हुए हैं, उसे हमें साफ करना है, तो हम यहाँ पर सूपा का यूज करेंगे। जितने भी हमने गेहूं को चाल कर रखा है, उसे हम इस सूपा के माध्यम से अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे साफ कैसे करेंगे।
दोस्तों गेहूं को ना मौसम में तो बढ़िया धोकर सुखाकर रख सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ना इसे धो नहीं सकते, तो इसे इसी तरीकों से हमें साफ करना होता है, नहीं तो हमारे सारे गेहूं जो है वो खराब हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सारे कचरे जो है वो कैसे बाहर की तरफ आते जा रहे हैं। बस आपको सूपा अच्छे से चलाने आना चाहिए, इसे फूनने आना चाहिए। देख रहे हैं आप, जितनी भी इसमें कचरे हैं, लकड़ी है, वो सब सामने के साइड आ गई है। ये देखिए, कोई हमें मेहनत नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, बहुत ही आसानी से ये सारे अलग होते जा रहे हैं। इन सभी को हम एक बार निकाल लेंगे। देखिए, अब गेहूं पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, इसमें ना एक भी मिट्टी कंकड़ कुछ नहीं है। ये देखिए, अगर गलती से रह भी गए तो वो ना धोने से साफ हो जाएंगे। और देखना दोस्तों कि हमें समय भी ज्यादा नहीं लगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से ये साफ हो गई। ये तो हुआ जो हमारे गेहूं में बारीक मात्रा में कंकड़ मिट्टी थे उनके लिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो गंदे से गंदे बड़ी बड़ी मिट्टी और कंकड़ वाले गेहूं है ना, उन्हें कैसे हम साफ करें, जिससे आपको गेहूं और मिट्टी को अलग अलग करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सेम वही प्रोसेस आपको फिर से करना है। फिर से हम चलनी में सारे गंदे वाले गेहूं को डालकर चालेंगे। चालने या हिलाने के बाद आप देखना, जितनी भी छोटे छोटे कंकड़ थे वो तो निकल गए, लेकिन अभी भी गेहूं में बड़े बड़े मिट्टी कंकड़ बाकी हैं। तो इसे गेहूं से कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए भी आप फिर से सूपा ले लीजिए और इसे फोन लीजिए, जिससे कि मिट्टी और गेहूं अलग हो जाएं। दोस्तों मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे ये अलग होते जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे आपको सूपा चलाने आना चाहिए, मिनटों में ये साफ हो जाती है। बिना किसी मेहनत सिर्फ 2 मिनट में गेहूं से मिट्टी अलग हो गई। जितनी भी मिट्टी है वो एक तरफ है ना, बहुत ही आसान तरीका। आप अपने घरों में गेहूं को आसानी से साफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, जो इस गेहूं से मिट्टी निकली है ना, हम उसका क्या यूज करेंगे। उसे हम किसी भी गमलों में डालकर पौधा लगा सकते हैं। ये मिट्टी भी बहुत काम की है, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों तो इस तरीकों से मैंने आपको गेहूं साफ करके एक फुल वीडियो दिया है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीकों के नए नए वीडियो आपके लिए ला। धन्यवाद।